enemies ahead. भाई 1v3 हो गया भाई. You can do it. ओ फिनिश कर दो, फिनिश कर दो, फिनिश कर दो, फिनिश कर दो. Yes. Fuck you. What? What? हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल. तो यार मैं आ चुका हूँ फिर से पबजी मोबाइल के एक और गेम प्ले के साथ में. और यार इससे पहले वाली वीडियो में आपको वो स्क्वाड वाइप कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना. हालांकि बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे खींच गए इन तीन बंदों को. खैर फिलहाल अगर इस वाले गेम प्ले की बात करें तो हम लोग खेल रहे हैं स्क्वाड. हाँ खैर तीन जने मिलकर स्क्वाड खेल रहे हैं. और फिलहाल यहाँ हम उतरे हैं ग्रोनस. और यहाँ हमारे साथ और कोई टीम आई नहीं होती, और शायद दो चार बोट आए होते हैं यहाँ पे, तो जिनकी हम पेटी वेटी बनाते हैं. और जितनी जैसी लूट यहाँ मिलती है, लूट वगैरह करने के बाद हम लोग सीधा रश करना स्टार्ट करेंगे बंदों पे. तो वहाँ से लूट वगैरह उठाने के बाद हम लोग इस तरफ आते हैं. और पहले हमें लगा होता है यहाँ पे कोई नहीं है, बस हम लोग लूट वगैरह देखने आते हैं और बंदों को देखने आए होते हैं यहाँ पे. लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो हमें ये सुनाई देता है. हाँ भाई, तो यहाँ पे M4 की धड़ाधड़ आवाज़ आ रही होती है और बंदे सामने की तरफ होते हैं, हॉट स्प्रिंग की तरफ. और हम लोग यहाँ से देखते हैं ट्राई करने का. और फिलहाल आप देखो कि हम इनको कैसे पेलते हैं. पूरे मजे लो इसके. 75. Coming to behind the shop. I'm sorry. Oh. Knocked him out. Mark the location. Where's the last one? Is he behind the shack? Behind Watch the shack, out. Yes. Behind the rock. What rock? Mark the location. The one in front of the shack? Yeah. Okay. अब देखो यहाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा लो था तो मैं आगे घुस जाता और मेरी टीममेट बोलती कि वही अकेला बाकी है, तो ये सोच के मैं आगे घुसता हूँ और देखो इतने में क्या होता है. You guess, पागल भाई. ये बंदा यहाँ लेटा पड़ा था और भाई साहब इसने मेरे को बिल्कुल 5 HP छोड़ दिया था. खैर जैसे तैसे मैंने इसको नॉक करा, और इसको नॉक करने के बाद मैं हील विल लगाता हूँ. और मुझे स्पॉट होता है कि इसका जो चौथा बंदा था, जो कि इसका आखिरी प्लेयर था इस टीम का, वो पीछे की तरफ भाग लेता है. हम लोग इस टीम के तीन बंदे निपटा देते हैं यहाँ पे, और एक बंदा यहाँ पीछे भाग लेता है. तो खैर हम उसके लिए जाते भी नहीं क्योंकि वो जोन के बाहर जा रहा होता है. शायद भाई का कुछ और ही इरादा था. तो जो भी था, हम लोग यहाँ पे जैसे तैसे लूट उठाते हैं. इतनी सारी गोलियाँ इन पर बर्बाद करी थी, तो हम सारे रिकवर करते हैं यहाँ से और फिर सीधा भगते हैं जोन की तरफ, क्योंकि भाई जोन से टिल के मरने का कोई मतलब है नहीं. और हम लोग यहाँ पे जोन में आने के बाद काफ़ी वेट भी करते हैं इसका, लेकिन ये आता नहीं है. तो हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गन साउंड्स आ रहे थे और हमें बंदा स्पॉट भी जाता है. नियर द हाउस इज रनिंग. I want a clear view shot for them. The one who is sniping is there. Is there? Enemies ahead. Oh, there is one. I think we need to. अब देखो सामने मुझे एक बंदा शूट करता हुआ स्पॉट तो हो जाता है, लेकिन मैं उस पर गोली इसलिए चलाता क्योंकि वो कवर में था. अगर मैं उसको नॉक कर भी देता तो वो रिवाइव हो जाता, तो कोई मतलब था नहीं. तो मैंने सोचा कि थोड़ा घूम के जाते हैं और फिर उस पर फायर करेंगे. और इतने में मुझे एक नॉक बंदा दिख जाता है जिसकी मैं किल चुरा लेता हूँ. तो खैर क्या कर सकते हैं इस चीज़ का. और अब मैं आगे की तरफ आता हूँ देखने कि थोड़ा अगर मुझे ढंग का व्यू मिल जाए. और मुझे एक बंदा दिखता है यहाँ पे जिस पर मैं हिट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कवर में चल जाता है और वो हमारे एक भाई को खींच भी जाता है.
सिर्फ नॉक हुआ है भाई हमारा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इस वाले बंदे को भी खींचेंगे हम। तो फिलहाल मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तुम जाकर रिवाइव पे लो और मैं देखता हूँ उस बंदे को। तो यहाँ अब हमारे टीममेट को रिवाइव वगैरह दिया जाएगा, और मैं इतने में यहाँ पर देख रहा होता हूँ कि बंदे कहाँ हैं। अब जिस बंदे ने हमारे टीममेट को नॉक किया था उस पर किसी और साइड से शॉट्स पड़ रहे होते हैं, तो वो कवर से निकल के भागना चालू करता है। तो मैं उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो रिच की वजह से नीचे चल जाता है और बच जाता है, लेकिन कोई नहीं, उसको पकड़ेंगे अभी। अब भाई ये घास के अंदर एडजस्ट आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ये बंदा वहाँ पे जो ये वही था जिसने हमारे टीममेट को नॉक किया था, तो ये वहाँ भाग रहा होता है सामने वाली टीम से बच के, और शायद ओपन में खड़ा होकर स्प्रे दे रहा होता है पेड़ का कवर लेके, लेकिन भाई भूल गई कि इस तरफ भी बंदे थे। तो मैं जैसे तैसे इसको खींचता हूँ पूरा, और डायरेक्ट किल मिलती है इसकी, शायद अपनी टीम का आखिरी बंदा था ये। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जोन में हमारे अलावा सिर्फ दो बंदे बाकी हैं। अब भाई इन दो बंदों का पहलना तो भाई काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पे सिर्फ हम इसलिए जीत पाए क्योंकि मैंने लास्ट में M24 उठाई, और उस M24 उठाने का जो डिसीजन मैंने लिया था वो मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ हमारे लिए। अब इन दोनों बंदों के पास स्नाइपर है, और एक बंदा तो मतलब बिल्कुल झाड़ी में घुस बैठ के आराम से वहाँ से गोली चलाया जा रहा है, और एक बंदा सामने पत्थर के पीछे है। तो फिलहाल तो दोनों दोनों पत्थरों के पीछे खड़े हैं, और ये बंदा मेरे को स्पॉट हो चुका। अब इसको यहाँ से मैं सिर्फ डैमेज दे पाता हूँ, उसके पीछे जो पत्थर है उसमें भी है, क्योंकि ये बंदा अच्छे खासे पत्थर के पीछे था, तो मैं यहाँ से उसको सिर्फ डैमेज दे पाता हूँ। तो मैं फ्लाइंग करने का सोचता हूँ यहाँ से, और अब देखो यहाँ से फ्लाइंग करते करते मैं किधर चला जाऊँगा, और इस फ्लैंकिंग के चक्कर से और जाके M24 उठाने के चक्कर से ही हम यहाँ से इस मैच को जीत पाए थे। तो अब देखना इस दोनों बंदों को कैसे पहलेंगे हम। तो मैं यहाँ से फ्लैंक करके आ रहा होता हूँ, और मुझे दिखता है कि ये बंदा भी आगे की तरफ आ रहा होता है। अब मेरी कुछ बुलेट्स इससे कनेक्ट होती है, लेकिन फिर ये बंदा गायब हो जाता है झाड़ियों में। तो फिर मैं पहले यहाँ पे वेट करता हूँ थोड़ा सा कि अगर ये बंदा दोबारा दिखे तो मैं इसको हिट दूँ, लेकिन ये मुझे दिखता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और फ्लैंक किया जाए राइट की तरफ। I can see the other one, they're not doing anything. He's just behind the rock. Or... I hit him a lot of times. Watch out! अब फ्लैंक तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरे को काफ़ी डैमेज भी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता है, तो मेरे को काफ़ी हिट पड़ते हैं उसके। तो मैं पहले यहाँ पे हील वगैरह लगाता हूँ सबसे पहले। अब देखो हील वील लगाने के बाद मैं थोड़ा आगे की तरफ आता हूँ, और मेरे को ये ड्रॉप दिखता है यहाँ पे, और ड्रॉप देख के मेरे मुँह में पानी आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार इसमें AWM वगैरह मिल जाए, या मशीन गन वगैरह कुछ भी मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। तो मैं ड्रॉप खोलता हूँ, और इसमें मुझे मिलती है M24, और भाई M24 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी M4 की एमो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, और जिस हिसाब से फाइट जा रही थी मेरे को लग नहीं रहा था कि इतनी बुलेट्स काफ़ी होंगी। फिर इस रनिंग यू कैन कम टू द जोन, आई विल ट्राई। और अब देखो भाई क्या ही गजब का एंगल मिलेगा मेरे को यहाँ पे। लो भाई, इस भाई को तो हेडशॉट देके मैंने वहाँ पे शांत कर दिया। अब इसका एक आखिरी बंदा बाकी था जोन में, तो जो कि इसको रिवाइव देने आता है। अब इसको नॉक करते ही मैं यहाँ पे रश कर देता हूँ, और क्योंकि अगर अभी रश नहीं करा तो ये दोनों फिर कीड़े करेंगे बहुत ज़्यादा, और ये मैच खींचता ही चला जाएगा ऐसे। तो मैं यहाँ पे रश करता हूँ, और मेरी टीममेट बताती है कि वो स्मोक के अंदर है। मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बंदे का हेड दिखता है, और अब देखो। लो भाई, और इसी के साथ हमें मिल चुका है एक शानदार सा चिकन डिनर। तो भाई लोग आपको ये गेम प्ले कैसा लगा, और इसमें आपको स्क्वाड वाइप कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। गेम प्ले अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।